खूबसूरती वो होती है जो उम्र की मोहताज ना हो, और यह बात अभिनेत्री जया प्रदा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अभिनय के दिनों में जया प्रदा जितनी चर्चित थी, उतनी ही वह आज राजनीति के क्षेत्र में भी है। जीवन में अभिनय जया प्रदा के लिए एक चमत्कार की तरह आया। 14 वर्ष की उम्र में जया प्रदा को अपने स्कूल में नृत्य कार्यक्रम पेश करने का मौका मिला, जिसे देखकर एक निर्देशक उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म भूमि कोसम में उनसे नृत्य करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में अपने माता पिता के जोर देने पर जया प्रदा ने फिल्म में नृत्य करना स्वीकार कर लिया। जया प्रदा को बॉलीवुड में आने का श्रेय के विश्वनाथन को जाता है, जिन्होंने उनके साथ 1979 में सरगम फिल्म बनाई। सरगम फिल्म जबरदस्त हिट रही और जया प्रदा रातों रात स्टार बन गई, लेकिन हिंदी न बोल सकने के कारण वे अपनी सफलता को गुना नहीं सकी। लेकिन जैसे बॉलीवुड की उस हसीनाओं जैसे परवीन बाबी, जिन्नत अमान और राखी जैसी नायिकाओं का जादू डल गया, तो जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी जमाई। जया प्रदा ने अमिताभ के साथ शराबी, गंगा जमुना, सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों की। साथ ही जया प्रदा ने साउथ की फिल्मों में भी कार्य जारी रखा। बॉलीवुड में जया प्रदा ने अमिताभ, जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ जोड़ी बनाई थी। जया प्रदा की इमेज पर्दे पर साफ सुथरी थी और इसका फायदा उन्हें राजनीति के करियर में आने में मिला। जया प्रदा 1994 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई, मगर बाद में चंद्रबाबू नायडू के गुट में चली गई। 1996 में वो आंध्र प्रदेश के लिए राज्यसभा में मनोनीत की गई। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक कामयाबी वह थी जब उन्होंने 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीता। जया प्रदा का निजी जीवन भी हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी अमिताभ तो कभी जितेंद्र के साथ उनके लिंकअप की बात चलती रहती थी। बाद में 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो पहले से ही विवाहित थे। उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा से ही झगड़े होते रहे, पर आज भी वो एक साथ है। 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाली जया प्रदा आज अपने राजनीतिक करियर को संवारने में लगी है। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पर्दे पर उन्होंने कई बार समाज कल्याण के काम किए, उसी तरह असल जीवन में भी उनका जादू बरकरार रहे।